हमारे पास समय बहुत कम है, आपके पास प्रश्न बहुत है, लेकिन सबका जवाब नहीं हो सकता है, पर कुछ चीजों को आपके सामने उन लोगों के मुख से रखना चाहता हूँ जिससे आपको बहुत सारी प्रामाणिकता मिलेगी, प्रूवन थिंग्स मिलेगी। इस क्यूट से लगभग 20 मिनट के सेशन को बहुत सीरियसली लीजिएगा, और जो लोग भी यहाँ आएंगे उनसे आप अगर सर्वश्रेष्ठ सुनना चाहते हैं तो एक एक कर मैं बुलाऊंगा, उनके लिए आप तालियां बहुत अच्छी बजाइएगा। तो सबसे पहले मैं स्टेज पे बुलाना चाहता हूं आज के इस एमरल्ड पैनल के लिए नियाज इन गजाला, जोरदार तालियां नियाज के लिए। और तब मैं बुलाना चाहता हूं दूसरे एमरल्ड को, वेरी फास्ट ग्रोइंग, बहुत विजडम कपल है और दोनों पति पत्नी बुद्धिमान, पढ़े लिखे और अपने बच्चों के साथ इस बिजनेस को पूरे बिहार में बिल्ड कर रहे हैं। जोरदार तालियां एमरल्ड्स गोइंग डायमंड प्रदीप एंड नविदा। द टाइम इज फॉर दो दैट हम्बल कपल जो सबका चहेता है और उससे हम्बल कोई हो नहीं सकता, एंड ही इज रियली नाउ बिल्डिंग बिजनेस इन डिफरेंट वे, बहुत तेज, शिशुपाल लक्ष्मी पटेल, जोरदार तालियां। और फिर बुलाना चाहता हूं उस एमरल को जो आपका मन भावन है, लुभावन है, मुस्कुराहट का ब्रांड एम्बेसडर है, जितेंद्रन रीना। We have also Khabu Ballewaj, expert, giving much more experience to you, Dian Sahu and Anju Sahu. I'll call, amazing, magical and ready to rock always, Girte Parte Pahunchte Hue, Ashish Jha. Person, very good human being, highest order of submission, but always in position, B.B. Singh from Basti. Finally, we have the person who has started this show, और देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, तो और कोई नहीं, श्रीमान बिट्टू जी रविशेखर एंड अंजलि, जोरदार तालियां। प्लीज बैठे, आपका स्वागत है और हमारे लिए भी कुर्सी दे ही दीजिए, खड़े खड़े कब तक रहे, एक और कुर्सी चाहिए इधर, हाँ मेरे बगल में, वो दृश्यता के लिए नहीं, इधर लगाइए एक 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 ही कुर्सी। सो दाएं में बैठे हुए बीबी सिंह हैं, ये है बस्ती से, बाएं में बुलाना चाहता हूं द पर्सन हु हैज स्टार्टेड हिज बिजनेस वेरी सून, ढाई तीन साल पहले मेरे साथ गोवा में मुलाकात हुई, कुछ अंदरूनी बात हुई, अंतालिया में उससे प्यार हुआ और अब उसका सबसे बड़ा व्यापार हुआ। रांची से देख रहे हैं, पिन ब्रेक कर रहा है रॉकिंग संतोष एंड सिंपी। दृश्यता ऐसे बनेगी, आ जाओ, तो आपको हम लोग दिख रहे या न रहे लेकिन हम गूंज जरूर रहे होंगे, तो आप कान को लगाकर रहिएगा और आपको सब कुछ मिलेगा। तो कैसा लग रहा है ये समा, बढ़िया, थोड़ी ताली बजाइए सबके लिए एक साथ जोरदार। अब पूरे बिजनेस का सिलेबस बनकर था इन लोगों से पूछने, क्योंकि इन लोगों ने इस बिजनेस को शिद्दत से बिल्ड किया है, बड़ा किया है और इनकी बहुत सारी समझदारी इसमें घुसी हुई है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सवाल जो हमेशा कौंधते हैं सबके पास, हम उनकी चर्चा करना चाहेंगे। हमको
समय दिखाने वाले शख्सियत जो है फटाक से दिखा देंगे समय, क्योंकि ऑलरेडी 5 मिनट जा चुका है, तो 15 मिनट है। तो हम सबसे गुजारिश करेंगे कि पॉइंटर्स को, बुलेट पॉइंटर्स को बढ़िया से संभाल के बोलिए, ताकि लोगों के पास पहुंचे और लोगों को मजा भी आ जाए। तो सबसे पहले न्याज को बुलाए थे, तो मैं न्याज की तरफ मुड़ता हूं और माइक न्याज को दें। सो न्याज, बीइंग एन एमरल्ड होने के बाद और पहले भी तुम काम तो बहुत किए हो, सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, बहुत सिंपल, हर लोगों के मन में सवाल आता है। इस बिजनेस में हर नया महीना शुरू हो जाता है, साल भी नया शुरू होता है, नया महीना भी, तो हर नए महीने में जैसे ही महीना शुरू होता है, तुम पहले सप्ताह में क्या करते हो, क्या रूटीन रहता है तुम्हारा? जैसे 1 अप्रैल आया, अब तुम शुरू के 4-5 दिन में क्या करते हो? थैंक यू। ठीक है, जो पहला वीक होता है ना बिजनेस का, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम क्लोजिंग मंथ को एंड करते हैं, तो जब हम शुरुआत करते हैं, तो आज देख रहे हैं कि एमवे भी पहले से बहुत फास्ट हो गई है, कि आपका जो नए मंथ का ऑफर्स है, जो बिजनेस अनाउंसमेंट है, वो सारे 12 बजे हम एंड करते हैं, और वो फर्स्ट वीक की जो शुरुआत, मंथ की शुरुआत करते हैं, तो आपके 12 बज के कुछ मिनट के बाद ही वो सारी चीजें हमें पता चल जाती है कि नए मंथ के क्या क्या होने वाले। तो नए मंथ की शुरुआत में फर्स्ट वीक जो बीतता है, उसमें सबसे पहले अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर के गोल बनाइए, और जब गोल बनाइए, उसी समय आपको हर चीज का गोल बनाना है, ना सिर्फ वॉल्यूम का, जब बल्कि आपको बिजनेस में जो लोगों को लाना है, हमको वो प्लान कितने करने हैं, वो सारी चीजों के गोल बनाइए, मीटिंग्स के नंबर्स के गोल बनाइए, हर चीज आपका फिक्स हो जाना चाहिए, और जो ऑफर है उसके डिस्कस उसी दिन सारे अपने डिस्ट्रीब्यूटर, कोर डिस्ट्रीब्यूटर से आप कर लीजिए, ताकि सारे ऑफर्स अच्छे से उनको समझ में आ जाए। कई बार जो एमवे का आता है बुलेटिन, उसमें सारी चीजें समझ में कई डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं आती है, तो आपको वो सारी डिस्कस कर लेनी है उसी में। उसके बाद फर्स्ट वीक की क्लोजिंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगला 3-4 वीक जो आने वाला मंथ है, उसका फर्स्ट डे बहुत महत्वपूर्ण है, कि आप पहले 2 दिन जो प्लान करते हैं उसके पे डिपेंड करेगा कि 3 वीक कितना आसान बना दीजिएगा उसी पहले दिन के प्लानिंग से। उसमें आपको अपना जो मेंटोर्स क्लब है उसको ध्यान रखना है, एलीट क्लब को ध्यान रखना है, कि उनमें कितने लोग हमारे हैं पहले से, और कितने हमको उसमें ऐड करना है, ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, कि ऐड ऑन हमेशा जारी रहना चाहिए। रिक्रूटमेंट जैसे बिजनेस में आना है, वो नई ज्वाइनिंग लाते हैं, वैसे ही हम एलीट क्लब और मेंटोर्स क्लब में नए नए लोगों को हमेशा शामिल करें। उसके बाद अभी हमारा जो रिसेंट स्टार्ट फिर से वापस हो गया, टीम न्यूट्रलाइट और ब्यूटी क्लब अचीवर, ये दोनों को बहुत फोकस कीजिए। अगर ये दोनों फोकस करके एक 10,000 पीवी का लीडर, जब इमरल की बात हो रही तो 10,000 पीवी के लीडर उनके साथ होते ही हैं, तो 10,000 पीवी के लीडर को यह ध्यान रखना है कि 30 से 50 लोग उनके मेंटोर्स क्लब में आ जाए, और उसी में हमारा ब्यूटी क्लब अचीवर और टीम न्यूट्रलाइट हो गया। तो इन दोनों चीजों को देख के कि 30 से 50, यानी 3 से 5 हजार पीवी का गोल आप बना लिए, नई ज्वाइनिंग का गोल बना लिए, आप मीटिंग के गोल बना लिए कि कितने लोग रहेंगे, और ये सारे गोल को पहले दिन आप फिक्स कर लिए, तो मंथ आसान हो जाएगा और आपके लिए क्लोज करना आसान। क्या बात है, जोरदार तालियां। थैंक यू। यानी आप समझ गए क्या इसने कहा, कि पहला वीक गणना का, योजना का, और फिर उस पर काम करने का है। सो टीम न्यूट्रलाइट, ब्यूटी क्लब, मेंटोर्स क्लब, एलीट क्लब, 2C 2D, कितनी ज्वाइनिंग होगी, सब बनाकर और 1 से 2 दिन में शुरुआत कर देना और लग जाना है। फैंटास्टिक न्याय, लव यू, और बहुत अच्छा तुमने बताया, और इस चीज को ही लोग भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। प्रदीप, तुम्हारे साथ मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, और ये बात थोड़ा सा काम काज से अलग है, थोड़ा पर्सनल भी है, ओम प्रकाश जी भी हो सकता है सुनेंगे तो उनको भी मजा आएगा। सच सच बताना कि क्या तुम दोनों पति पत्नी अभी भी नए लोगों के साथ काम करते हो क्या है? और करते हो तो क्या करते हो, जरा 1.5 मिनट में बताओ। मतलब एमरल्ड हो गए, बड़े लीडर हो, इतना फाउंडर प्लेटिनम है, सब लेग में 4th लेग ब्रेक कर दिए हो, 5वीं 6वीं में काम कर रहे हो, लेकिन नए लोगों के साथ, हर लेग के साथ काम करते हो, और क्या करते हो? थैंक यू सर, हमें तो नए लोगों के साथ ही मजा आता है। जो पहला है कि जब मैं बता दूं कि जब मैं सिल्वर गया था, बहुत सारे लोग आज नहीं हैं,
जब मैं गोल्ड गया था तो बहुत सारे लोग नहीं है, जब प्लेटिनम गया था उसमें बहुत सारे लोग नहीं है, जब इमरल्ड गया होता तो बहुत सारे लोग नहीं है, मैं डायमंड जाऊंगा तो आज भी पता है कि उसमें बहुत सारे लोग नहीं रहे। क्या बात है, नए लोग के साथ काम करना है, लेकिन हम रहेंगे, लेकिन हम रहेंगे। होता क्या है कि हर एक मौसम में पतझड़ आती है, और जब पतझड़ आती है तो सारे पत्ते टूट जाते हैं, लेकिन छोटे पौधे में 2-4 डाली होती है, बड़े पौधे में 10 डाली होती है, और बड़े पौधे में 50 डाली होती है। उस डाली को पता है कि 15 दिन के बाद नया पत्ता उगा लेंगे। तो अगर हम में दम है, हम बार बार बोलते हैं कि यह इंटरनल कैपेसिटी पर निर्भर करता है, एक्सटर्नली कुछ नहीं है। हाथी को कंट्रोल करने के लिए ताकत की नहीं, माइंडसेट की जरूरत होती है। और जिस दिन माइंडसेट मेरा मजबूत हो गया, उस दिन मैं अपने टीम में बिहार का सबसे बड़े डॉक्टर डीएम कार्डियोलॉजी भी के साथ ही काम करता हूँ, 10 मिनट में आ जाएंगे, भागलपुर से आ रहे हैं। और मेरे टीम में जो बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो 0% अपना नाम लिखते हैं, उनके साथ उतने ही मजे से काम करता हूँ। और दोनों के साथ मेरी दोस्ती उतनी ही है, जहाँ डीएम कार्डियोलॉजी हो या अनपढ़ आदमी हो। तो मेरा यही है कि नए से नए लोग, चूंकि हमें पता है कि पुराने लोगों का जंग लगना है और हम नए लोगों को उसको लाना है, लेकिन हाँ कुछ लोग जो तैयार हो जाते हैं, प्रथम दृश्य में भी थे, अंतिम दृश्य तक साथ रहेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग कुर्सी लगते हुए लगाने के लिए आएंगे और चले जाएंगे, कभी उन लोगों पे रोना नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। नमिता, केवल एक चीज ऐड करने के लिए बोलता हूँ कि जैसे पुरानी जो भी लीडर्स लेडी होती है, उनके साथ बैठने में, बात करने में लॉट ऑफ टॉपिक्स आते हैं, बहुत सारा टॉपिक्स होता है, लेकिन नई शर्माती कुछ हेजिटेट लेडीज होती हैं, उनके साथ कोई टॉपिक नहीं होता है, तो उस समय में टॉपिक क्रिएट कैसे करना होता है, क्या करती हूँ? यहाँ एक हंसने वाली बात ये है कि जब हम लोग पुराने हो जाते हैं सर, तो इतना ज्यादा टॉपिक रहता है कि हर कोई चाहता है हम बोले, हर कोई सुने। बट नए लोग जब रहते हैं ना, तो लिसनिंग मोड में रहते हैं, वो सुनना सीखना चाहते हैं, तो उनके साथ बात करना बहुत इजी होता है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी रूल है, चाहे हम जिस टीम पर है, चाहे हम डायमंड ही क्यों ना रहे, हमेशा सुनने की क्षमता अपने में रखें। अगर हम सुनते रहेंगे ना, किसका? अपने अपलाइन का, अपने मेंटर का, तो सफल जरूर होंगे। और एक लाइन जो इनसे क्वेश्चन पूछे सर, एक लाइन आज बहुत अच्छा हमको मिला, जो हम आप लोग से शेयर करना चाहेंगे। मुट्ठी भर बीज बिखेर दो, दिलों की जमीन पर है दोस्त, बारिश का मौसम आने वाला है, शायद अपना मन पनप जाए। क्या बात, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। इट इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग ए रिलेशनशिप विद ऑल दोज न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स। आप जैसे ही वहां पर वह उर्वर प्रदेश बनाएंगे जहां पर वो बीज गिरा है, तो उर्वर प्रदेश बनाने का काम आपका है। उसको करने के लिए कौशल की जरूरत नहीं है, आपके अंदर में उस हुनर की जरूरत है जिससे किसी को प्यार की बारिश की जाती है। सो बहुत बढ़िया नमिता, फैंटास्टिक। और लक्ष्मी पहले से तैयार है कि मुझे तुरंत में बोलना है, और मैं दो चीज बोलना चाहता हूँ शिशुपाल सर तुमसे भी। ओपन मीटिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बोलता हूँ मदर्स मिल्क, माँ का दूध है। तो ओपन मीटिंग में सीनियर लीडर्स का आना, और स्पेशली सीनियर लेडीज का आना कितना जरूरी है। मान लो कि एमरल्ड आ ही गए, उनकी वाइफ नहीं भी आई तो चलेगा, काम धाम तो रहता ही है, घर है, टीम है, तो थोड़ा मटिया भी देंगी तो कैसा चलेगा। इस लेवल पे, जिस लेवल पे तुम लोग हो, क्या लेडीज का आना ओपन मीटिंग में जरूरी है? थैंक यू सर, बिल्कुल सर, बहुत ही जरूरी है लेडीज का मीटिंग में आना। ये नहीं है कि मतलब कहते हैं ना, दो हाथ से ताली हमेशा दो हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। इसीलिए अगर पैरेलल आपको रिकॉग्निशन चाहिए, मान सम्मान चाहिए, तो दोनों को यहाँ आना बहुत जरूरी है। बस एक छोटा सा इंसिडेंस हम बताना चाहते हैं कि मेरी मीटिंग आने में कितना बड़ा हाथ रहता है मेरी बेटी का, इसीलिए क्योंकि वो बहुत बड़ा चीज हमसे हो जाती है। जब भी एक ऐसा वाक्य आया कि मेरा तबीयत खराब था, और हम आज तक ऐसा कोई ओपन मीटिंग मिस नहीं किए हैं, मतलब रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, चाहे वो जूम का हो या कोई भी चीज हो, क्योंकि मुझे यहाँ सीखने में बहुत मजा आता है। तो मेरा तबीयत खराब था और मैं आ नहीं पा रही थी, और उसको हमें कहीं छोड़ के आना था, क्योंकि घर पे वो अकेली रह नहीं पाती, क्योंकि अभी 7-8 ईयर्स की थी,
तो फिर हम जैसे ही आने लगे तो हम इनको बोले आप चले जाइए, मेरा मतलब नहीं जाते हैं क्योंकि मेरा तबीयत भी खराब है और बाबू को भी हम कहाँ छोड़ेंगे, उसको भी अभी बाहर जाने का मन नहीं। लेकिन जैसे उनके उसके कानों में ये आवाज गई कि मैं मीटिंग नहीं जाने वाली हूँ, वो तो मतलब ऐसे मतलब वो जाग गई उस समय कि नहीं तुम मम्मी कैसे नहीं जाओगी मीटिंग, मीटिंग जाना तुमको बहुत जरूरी है और तुम जाओगी और मुझे भी मेरी दीदी के पास छोड़ दो जो राजेंद्र नगर में रहती है उसके पास छोड़ दो और तुम भी जाओ। और मेरा पेट दर्द उसी समय छूमंतर हो गया और मैं मीटिंग आ गई। और ये मीटिंग मिस लगातार आने से ही चाहे वो सीनियर रहे या जूनियर रहे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मीटिंग मदर मिल्क है और उनको आना बहुत ही जरूरी है क्योंकि यही एक ऐसा पॉइंट है जहां आपको सीखने को मिलेगा और सच्चाई आपको यहां दिखेगी। हो सकता है आप कहीं और बात कर रहे होंगे, लोगों में बात करेंगे, आपको कहीं भी इसका विजिबल पार्ट नहीं दिखेगा, लेकिन ये यहां आपको सच्चाई दिखेगी और आप इंजॉय करेंगे और तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। क्या बात है, तालियां। बच्चों का प्यार और बच्चों को चाहिए उपहार, ये वो समझ गए हैं। उन्हें पता है कि इंगेजमेंट, कॉन्स्टेंट इंगेजमेंट उनके माँ बाप को इस बिजनेस में सीरियस करेगा और वहीं से वो ग्रोथ लेंगे, और जब ग्रोथ लेंगे तो सक्सेस आएगी, और जब सक्सेस आएगी तो इनकम और करियर दोनों आएगा और तभी सब कुछ हो सकता है। एक से बढ़कर दूसरा है, सो आप समझ सकते हैं। तुम कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हो? तो जबरदस्त वो माहौल था कि बाबू को भी फीवर था और इसको भी, अचानक कपड़ा पहने में निकलते समय बहुत पेन हो गया, तो बोले अब कोई उपाय नहीं, लेकिन पेन को बाबू बुला दिए। बहुत सही बात है। देखिए प्रोफेसर का बेटा को भी अगर पढ़ाई लिखाई करना है तो स्कूल जाना पड़ता है। आप सोचिए कि इससे बड़ा बात और क्या हो सकता है, क्यों नहीं घर पे पढ़ा सकते हैं, ट्यूशन सब कुछ होता है, लेकिन ये भी एक स्कूल है। अगर आप डायमंड जाना चाहते हैं, अगर आपको ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, तो साफ शब्द में यही है कि इसके बिना नहीं होगा। ये बिहार भी है, पूरा इंडिया हम लोग देखा देखी काम ज़्यादा करते हैं। उनका बच्चा ये किया तो मेरा बच्चा भी ये करेगा, यहाँ भी आपका फेस को देखा देखी ही करेगा। और लेडीज़ को खास करके रहना इसलिए ज़रूरत है यहाँ पे, खास करके ये बिजनेस 100% जो मज़ा आता है इस बिजनेस का, जो मज़ा मिलता है वो लेडीज़ को मिलता है। और ये जिस जॉब में थी पहले भी 40-50 हज़ार महीना कमाती थी शादी के पहले, छोटा सा जगह में तिगड़ा में, लेकिन एक शब्द में एक बार में बोली ठीक है हम जॉब रिजाइन करेंगे, और सही में एक मीटिंग भी आज तक मिस नहीं हुआ। इसलिए अगर थोड़ा भी ड्रीम या थोड़ा भी बिजनेस का इंटरेस्ट आप लिए हैं या करना चाह रहे हैं, तो बिजनेस सिर्फ आपके आपका नहीं है। जिस दिन आप 100-200 का ऑनलाइन का अपलाइन बन गए, वो बिजनेस कैक 100 लोग का लाइफ से जुड़ गया। इसलिए आपका डिसीजन इसमें है ही नहीं कि आप मीटिंग नहीं जाइएगा। आप अगर मीटिंग में नहीं आ रहे हैं तो 100-150 लोग जो आपका डाउनलाइन है, क्रॉसलाइन है, जो आपको जानने लग गए हैं, उनका सपना आप तोड़ने जा रहे हैं, उनका सपना को आप तोड़ रहे हैं। आपके बोलने से वो प्लान देख के आपके बिजनेस में आए थे, मीटिंग में आए थे, वो एक सपना देखे थे, हो सकता है आपसे बढ़िया सपना वो देखे होंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आपका फेस अगर 2-3 साल यहाँ नहीं दिखेगा उनका सपना मुश्किल लगने लगेगा, और हो सकता है वो सपना अगर मुश्किल लगने लगे तो धीरे धीरे वो भी जाना बंद कर देंगे। सही शब्द में यही है कि जब प्रोफेसर का बेटा को स्कूल जाना बहुत जरूरी है तो यहाँ भी मीटिंग आना। क्या बात है, इतना अच्छा उदाहरण सरल सती। मुझे याद है इस मीटिंग के बारे में मैंने एक बार कविता बनाई थी और उसको स्टेज से भी कहा था कि चंद्र टरे सूरज टरे तरे जगत व्यवहार, नहीं बना था, चंद्र टरे सूरज टरे तरे जगत व्यवहार, लेकिन जगजीवन राम संस्थान में प्रेमवत दिखेगा हरिद्वार। और इसको सच बनाइए दोस्त, बहुत बार मीटिंग की जरूरत आपको होती है, लेकिन एक दिन ऐसा भी होता है जब आप टॉप लीडर्स होते हैं, मीटिंग को आपकी जरूरत होती है, आपको देखकर लोग इंस्पायर होते हैं। आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचें, उनके बारे में जो आपका नाम लेकर जाते हैं और इस बिजनेस को बड़ा करते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट इंस्पिरेशन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और जितेंद्र और रीना, आपसे क्या पूछूं, आपसे तो सब सवाल पूछ सकता हूं, लेकिन एक बड़ा सिंपल सा सवाल आजकल रेलिवेंट हो गया है, और वो रेलिवेंट हो गया है कि निजत्व भाव से मन है बेचैन, क्या करूं, कहां जाऊं, दिल्ली या उज्जैन। तो प्रोडक्ट रिटेल करें, कस्टमर क्रिएट करें, ये वाला धंधा सही है कि स्पॉन्सर करें, ये वाला समझ में नहीं आता है। आपका क्या मंतव्य है, पति पत्नी दोनों थोड़ा मिलके बताइए। थैंक यू सर। और हमको लगता है कि जितना महत्वपूर्ण कस्टमर को क्रिएट करने में उतना ही महत्वपूर्ण स्पॉन्सर करना है, क्योंकि कस्टमर से हम वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं और स्पॉन्सर क्रिएट करके हम लॉन्ग टर्म बिजनेस को क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू। और
ये बिजनेस के लिए क्वेश्चंस कितना इम्पोर्टेंट है, अगर इसको जान गए हैं तो समझिए बिजनेस जो है जहाँ तक आप जाना चाहते हो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, लेकिन एक बात ध्यान से सुनिएगा, वो अगला लाइन कहते हैं कि आलस मुक्त होकर किए गए कर्म से सफलता के सभी द्वार खुल जाते हैं। और जब जब हम नए बिजनेस में आए थे तो हमारे अपलाइन सिखाए थे कि इस बिजनेस में कोर बेसिक करना है, लिस्ट इनवाइट प्लान फॉलोअर, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वो थर्ड है, हम लोग को शो द प्लान करना और शेयर द प्रोडक्ट। अगर ये जैसे ही शुरू करते हैं शो द प्लान और शेयर द प्रोडक्ट, उसमें दो तरह के लोग निकल कर आते हैं, फर्स्ट बिजनेस ओनर जो आपके साथ एक पीक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करेंगे, और सेकेंड जो आते हैं कस्टमर जो आपको वॉल्यूम क्रिएट करने में मदद करेंगे। ये दोनों हम लोग के लिए जरूरी है। हमको याद है कि जब शुरू शुरू में क्रिकेट स्टार्ट हो रहा था तो बहुत सारे लोग होते थे, सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, कपिल देव जो 1983 में वर्ल्ड कप जीते, लेकिन सबसे ज्यादा कौन पसंद आता था हमको? कपिल देव। क्यों? क्योंकि ऑलराउंडर थे। इस बिजनेस में भी आपको ऑलराउंडर बनना होगा, आपको स्पॉन्सर भी करना होगा, आपको लॉयल कस्टमर भी क्रिएट करना होगा और प्रोडक्ट को भी सेल करना होगा। ये तीनों लगातार करते रहेंगे एक बड़ा बिजनेस का निर्माण करेंगे। कहते हैं ना कि अगर आप लगातार धीरे धीरे हर दिन कुछ ना कुछ काम करते चले जाते हैं तो सफलता के सभी द्वार खुल जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू सर। बता ही दिए, कहने की जरूरत नहीं। मतलब ना नर रहना है ना नारी रहना है, अर्धनारीश्वर हो जाना है, ठीक है ना? शिव अर्धनारीश्वर है तो हमारे बिजनेस का भी सक्सेस वही है। सो बहुत अच्छा, आ गए हैं हम लोग खप्पू बल्लेबाज पर और इनसे सीधा सवाल फ्रॉम हार्ट। भाई साहब बहुत सारे लोग जूम पे उतर गए हैं और कहते हैं सर घर बैठ के ही देख लेंगे, तो जूम क्या सच में फिजिकल का रिप्लेसमेंट है? आपके विचार से कितना सच है ये? जी जी जी, देखिए टॉपिक जो हम समझ पा रहे हैं कि ये जो फिजिकल मीटिंग है क्या इसकी जगह क्या जूम मीटिंग ले सकता है? ना, नहीं ले सकता। मतलब रीजन, बदलती दुनिया बदलता समय बदलता जमाना, जूम जो है इसके महत्व को हम इनकार नहीं कर सकते हैं। जैसे समय की बचत होती है, खर्चे की बचत होती है, कहीं भी किसी भी टाइम में आप इसको कर सकते जूम के माध्यम से, और एक मास कम्युनिकेशन होता है, एक गांव से लेकर पूरी दुनिया में अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। जूम मीटिंग में कमाल है, उसके महत्व इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इस फिजिकल मीटिंग में क्या होता है? ये निर्माण स्थल है, यहाँ फ्रेंडशिप का निर्माण होता है, मित्रता की यहाँ बीज बोई जाती है, यहाँ दोस्ती की बीज बोई जाती है, बिजनेस दोस्ती का है, यहाँ लीडर्स की जन्म लेता है, यहाँ लीडर्स का बीज बोया जाता है, बिजनेस लीडर का है, यहाँ मैप ऑफ माइंड होता है, मैप ऑफ माइंड या मस्तिष्क का नक्शा बनता है, जिसको माइंडसेट बोलते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता के नियम इस सिस्टम में यहाँ आधारित है, ये चल रहा, वो क्या होता है? देखा देखी, वो करें हम ही करें, वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, हम ही करें। अर्जुन यादव जी की मैं बात सुन रहा था, एक सुदूर गांव से है, उन्होंने इसी तरह की मीटिंग में निर्णय लिया, आज वोट चले गए। सकारात्मक सोच यहां बनता है और भी बहुत सारी बातें यहां होती है इस बिजनेस में। और बॉडी लैंग्वेज, कपड़ा पहनने का तौर तरीका, स्टेज पर चढ़ने का उठने का, बहुत सा चीज यहां ऑब्जर्व करता है, वॉच करता है आपको, हम दूसरे को सीखता है। और देखिए ये जूम मीटिंग के महत्व को या फिजिकल मीटिंग के महत्व को आज पूरी दुनिया में जितने भी मल्टा मल्टा बिजनेसमैन है, कॉर्पोरेट हाउस है, वो मंथन कर रहे हैं इस फिजिकल मीटिंग के बारे में। आपने क्या मंथन किया है? दो चार बार बताता हूं। उन्होंने मंथन करके पाया ये फिजिकल मीटिंग लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप देता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। अरे जब तक वो प्लेटिनम एमराल्ड डायमंड डबल डबल जाएंगे तब तक वो हमारे आपके साथ हम साथ रहेंगे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ये देता है। क्रिएट लॉयल्टी एंड ट्रस्ट, जेनरेट मोर आइडियाज, मंथन हुआ कि फिजिकल मीटिंग में यदि 15 आइडियाज लोग कैच करते हैं, रिसीव करने से जाते हैं, तो जूम मीटिंग में 8 और 10 लोग रिसीव करते हैं। ओके, ये कॉर्पोरेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स,
यहाँ जितने गोल्स और ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेट हुआ लीडर्स के द्वारा इतना जून मीटिंग में नहीं हो पाता। धन्यवाद सर, आई कैन अंडरस्टैंड यू हैव स्टेन सो मेनी पॉइंट्स। सारी चीजें हैं, थैंक यू और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत सारी बातें इन्होंने बता दी। हमारे पास समय, प्लीज सर, समय कम है, नहीं तो हम बहुत सारी बात सुनते, बट आप एक चीज समझ गए कि फिजिकल एक अलग स्केल में आपको रखता है, जूम आपको दुनिया से कनेक्ट रखता है, दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चले। आइए आशीष जी, आपसे बस दो वाक्यों में जानना चाहूंगा कि लीडर्स को सब ज्ञान हो ही चुका है, किताब पढ़ने की क्या जरूरत है? क्या किताब की जरूरत प्रारंभ से लेके अंत तक है? बहुत अच्छा सवाल है सर, मैं खड़े होकर थोड़ा सा बोल दूंगा। बेसिकली लीडरशिप एक माइलस्टोन नहीं है, एक प्रोसेस है। दुनिया में कभी भी आपने पढ़ा होगा लीडर्स आर रीडर्स एंड रीडर्स आर लीडर्स। किताब पढ़ना एक एक्टिविटी है, एक हैबिट है। किताब पढ़ करके ज्ञानी हो जाना, ये मैं कह सकता हूँ एक तरह का कॉन्स्टिपेशन जो लोगों को रोक देता है। बहुत सारे लोग हैं जो किताब पढ़ लेते हैं, नॉलेज ले लेते हैं, बट एक्शन से दूर हो जाते हैं। लेकिन किताब पढ़ना अपने आप में एक एक्शन है। किताब पढ़ के जो आप लेते हैं वो नॉलेज है। नॉलेज विदाउट एक्शन इज जस्ट कॉन्स्टिपेशन, नथिंग एल्स। इसीलिए कंटिन्यूअस रीडिंग ये जो हैबिट है यही हम लोग को आगे लेकर के जाती है। किताब जब हम पढ़ते हैं उस वक्त हमारे अंदर का लीडर हमसे निकल करके बात करता है, विच इज वाई रीडिंग इज द बिगेस्ट एंड द बेस्ट हैबिट। हम में से जितने लोग यहाँ पर हैं वो सब लोग कहीं ना कहीं रीडिंग का ही प्रोडक्ट है। अगर आज से आप एक अच्छी हैबिट अपने साथ लेके जाना चाहते हैं, दैट इज द हैबिट ऑफ रीडिंग। पर दिन आकर के ज्यादा नहीं, दो पेज भी अगर रीडिंग करने की शुरुआत करते हैं तो योर लाइफ कैन चेंज लाइक एनीथिंग। क्या बात है, जोरदार तालियां। कहने की जरूरत नहीं है कि हमारा हम किताब पढ़ना कितना महत्व। संतोष एक बात बोलना चाहता था, प्रोडक्ट की डिटेल की बात हुई और सब हुई, अभी एक प्रोग्राम आया है टीम न्यूट्रलाइज, तुम्हारे विचार से इसको क्या सबसे ज्यादा प्रमोट करना चाहिए? ये टीम न्यूट्रलाइज ही है, ये वाकई में सबको प्रमोट करना चाहिए। अगर इसको प्रमोशन हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं तो अपने टीम का स्ट्रेंथ को भी बढ़ा सकते हैं, टीम को प्रोफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, और हर कोई एक अच्छा भविष्य लोगों को घर में परिवार में अच्छा स्वास्थ्य दे सकता है। और नो डाउट हम लोग एक हेल्थ एंड वेलनेस बिजनेस में है, तो हम लोग चाहेंगे कि हर कम से कम हर परिवार अपना परिवार को स्वस्थ करते चले तो ऑटोमेटिक मैं सारे जगह को, मैं सारे लोगों को मैं स्वस्थ कर सकता हूँ। थैंक यू, और बिजनेस से बहुत तेजी से आगे निकल जाएगा। क्या बात है, सुपर, जोरदार ताली। सिंह साहब आपसे बस एक बात पूछना चाहता हूँ, आप माइक दीजिएगा सिंह साहब को। क्या ये जो नए लोगों के साथ बातचीत करना, उसके घर जाना और पुराने लोगों के साथ रात को बैठना, नाइट आउट, इस दोनों का कितना महत्व? अरे तो सर धन्यवाद आपको कि आपके सीरीज सुन सुनकर आपके पास बैठे और आज ये सवाल जवाब हो रहा है। तो मैं तो यही जाना हूँ सर कि अगर रात को आप जाते हैं, मिलते हैं, तो आपका रिलेशन डेवलप होता है। और इस बिजनेस में आप कितने बड़े ज्ञानी हैं, कितने बड़े ताकतवर हैं, उससे चलेगा नहीं जब तक आपका रिलेशन बेहतर नहीं होगा। और रिलेशन बेहतर होगा बैठने से, खाने से, उसके दुख सुख को सुनने से। क्योंकि एक किताब मैंने पढ़ा था कि जेब में हड्डी तो नहीं होती लेकिन हड्डी तुड़वाने की ताकत रखती है, राइट। दूसरी बात मैंने पढ़ा था कि पानी चाहे जितना गंदा हो वो भी काम आ सकता है, वैसे रिलेशन चाहे जितना खराब हो तोड़िए मत, क्योंकि पानी गंदा है पीने काम नहीं लेकिन आग बुझाने काम जरूर आ जाएगा। क्या बात। तो रिलेशन अगर आपका बढ़िया है तो आज नहीं तो कल जरूर बिजनेस आपका होगा, डेफिनेट होगा। मैं आपको बताऊं, सर से बात हो रही थी आने के बारे में यहाँ पे, और जिस ट्रेन से मैं कराया था वो ट्रेन अभी तक यहाँ नहीं पहुंची। रिजर्वेशन जिस ट्रेन का था वो अभी तक पाटलिपुत्र यहाँ पहुंची नहीं। रात को मैं सोचा मैं करूँ तो क्या करूँ, वो अभी यहाँ पहुंची 3:30 बजे टाइम दिखा रहा, 6:30 बजे दिखा रहा। तो हम सो रहे थे, प्रोग्राम एंड करने बात पहुंचे, लेकिन डिसीजन मैंने चेंज किया। लक्ष्य था मुझे जाना है और टीम के साथ मैं चलाया यहाँ तक, और आने के बाद ये अनुभूति होती है कि ना आया होता तो कितनी बड़ी चीज मिस होती। वैसे आप सब लोग अगर रिलेशन बनाएंगे तो वो जरूर चला जाए। थैंक यू, बहुत बढ़िया, सुपर। बीबी सिंह की बात आत्मा से निकलती है और इसीलिए वो सच्ची होती है। सही उन्होंने कहा, इस दुनिया में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो यह है लोगों को बताने के अलावा उनके नज़दीक जाने का कार्यक्रम, और उसमें भी शुरुआती दौर के लोगों के साथ तो अद्भुत। मैं आपको बताऊं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं हैदराबाद में उन लोगों से मिला भी नहीं हूँ जहाँ मेरी एक बड़ी टीम ग्रो कर रही है।
और उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि आत्मीयता बन चुकी है। सो दैट्स ऑल अबाउट। हमारे पास समय कम है, खत्म हो रहा है, लेकिन हम एक चीज पूछना चाहते हैं कि रविशंकर और अंजलि आप लोग इस बिजनेस में हैं और इस बिजनेस को कर रहे हैं, लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आदमी, हर आदमी इस बिजनेस में आता है, काम करता है और वो कहीं ना कहीं से एक फ्यूचर प्लानिंग भी करता है अपने बिजनेस का, अपने करियर का, अपने ड्रीम्स एंड गोल्स का, अपने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का। इतना चारों तरफ हाइप है ये 70 का, 2029 का, 2029 कैसा होगा, कहानियां सुने हैं। क्या आप ये 70 को सीरियसली लेते हैं और आप अपनी जिंदगी को कैसे मोड़ते देखना चाहते हैं? 2029 में आपका क्या विजुलाइजेशन है? आप अपने आप को कैसे देखते हैं? कैसी टीम, कैसा दृश्य? थैंक यू सर। ए 70 बहुत बड़ा विजन है हम लोगों के लिए खास करके, और मैं कहूँगी कि ए 70 हर लोग कर सकते हैं, उसमें जा सकते हैं, जो लोग भी पहले से हैं या जिनकी शुरुआत हुई है, चाहे वो किसी भी पिन पर हो, आप एक माइलस्टोन बनाकर इसको पूरा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एमवे अपनी पूरी सपोर्ट सिस्टम के साथ मजबूती से खड़ी है, तो हम लोग सब कर सकते हैं। हमारा यही गोल है कि हम लीडरशिप क्रिएट करें, दो डायमंड के साथ और 5 फाउंडर प्लैटिनम के साथ। हम लोग उसमें दृश्य देखने के लिए खड़े रहेंगे। आप सब लोग इस बिजनेस को करिए। क्या बात है, बहुत सारी चीजें इनकी स्पष्ट है, आप कुछ वैल्यू ऐड कर दीजिए। थैंक यू सर। जो एयरपोर्ट सजेगा तो हम भी चाहते हैं कि मेरे साथ बहुत सारे लोग रहे, हम भी आपके बगल में खड़े रहे। थैंक यू। जोरदार तालियां इस पूरे